तो इंडिया पर अंडर 15,000 इस कैटेगरी में बवाल मच गया है, बहुत सारा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है एंड परफेक्ट कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, आपको बहुत सारा ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ है इधर इन्फिनिक्स की तरफ से Note 30 5G एंड ऑपोजिट साइड पर है मोटोरोला की तरफ से आज ही लॉन्च किया गया है G54। आपको एक्चुअली कौन सा फोन परचेस करना चाहिए सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो के साथ में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अंत तक देखिए और इस टाइप का वीडियो मॉडल अनबॉक्सिंग रिव्यू ऑफर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। दोस्तों देखिए इधर इन्फिनिक्स का जो 8GB रैम 256GB वेरिएंट है इसका प्राइस है ₹15,999 विदाउट ऑफर, बट मोटोरोला में आपको सेम प्राइस में ₹15,999 पर आपको 8GB रैम 128GB का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इन्फिनिक्स में आपको 128GB का ज्यादा स्टोरेज आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों फोन मैंने विदाउट ऑफर के साथ बोला, मोटोरोला में आपको फास्ट सेल में 1500 का आपको फ्लैट डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब बेस ब्रांड का प्राइस हो जाएगा ₹14,499। बट देखिए इधर डिस्प्ले का जो सेक्शन है, डिस्प्ले का सेक्शन सेम टू सेम है, इन्फिनिक्स में आपको लार्ज टाइप का डिस्प्ले मिल जाएगा 6.78 इंच का, आपको इधर जो LCD पैनल है फुल HD प्लस आपको पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, मोटोरोला में 6.5 इंच का आपको सेम टू सेम पैनल देखने के लिए मिल रहा है, बेजल भी प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, बट लार्ज डिस्प्ले के लिए इन्फिनिक्स थोड़ा आगे चला जाता है और मोटोरोला कॉम्पैक्ट साइज के लिए आप परचेस कर सकते हो। दोनों फोन का ये जो बिल्ड क्वालिटी है पॉलीकार्बोनेट मतलब प्लास्टिक का ही बिल्ड क्वालिटी है, मोटोरोला थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक इधर यूज करता है, मतलब जो एक्रोलिक ग्लास वाला फिनिल फील है उस तरह का आपको फील देखने के लिए मिल जाएगा, बट पॉलीकार्बोनेट का ही बिल्ड क्वालिटी है। आपको राइट साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों फोन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए जो कैमरा का सेक्शन है, कैमरा का सेक्शन पर आपको इधर अंतर देखने के लिए मिल रहा है। इन्फिनिक्स में बैक सेक्शन पर ड्यूल कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, हायर मेगापिक्सल बट कोई अल्ट्रावाइड कैमरा नहीं है, 2 मेगापिक्सल का फालतू का जो मैक्रो सेंसर होता है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट सेक्शन पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 5 होल पर आता है, बट मोटोरोला में आपको बैक सेक्शन पर दोनों क्वालिटी कैमरा देखने के लिए मिल रहा है, दोनों वर्किंग कैमरा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड से आप मैक्रो फोटोग्राफी एंड डेप्थ के लिए भी आप यूज कर सकते हो, मतलब 3:1 आपको काम पर लग जाएगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा जो है, एंड फ्रंट सेक्शन पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। मोटोरोला में आप बैक सेक्शन फ्रंट सेक्शन पर फुल HD मैक्सिमम वीडियोग्राफी कर पाओगे, बट इन्फिनिक्स में आपको इधर 2K का ऑप्शन बैक सेक्शन पर देखने के लिए मिलेगा। सॉफ्टवेयर गिमिक है, मतलब प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता है, बट आपको 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट इन्फिनिक्स दे रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर गिमिक है, बट जो प्रोसेसर का सेगमेंट है, प्रोसेसर का सेगमेंट में देखिए मोटोरोला के साथ आपको इधर MediaTek Dimensity का 7020 प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, एंड Infinix में MediaTek Dimensity का सेम टू सेम नहीं है, 6080 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। Infinix का जो Antutu स्कोर है Antutu 9 में आपको इधर स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा 4,30,000-20,000 के आसपास, बट मोटोरोला में आपको इधर 70,000-60,000 ज्यादा स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला का प्रोसेसर पावरफुल प्रोसेसर है, दोनों प्रोसेसर के साथ आपको 6nm आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, बट मोटोरोला का जो परफॉर्मेंस कोड है वो है A78 बेस्ड, एंड इन्फिनिक्स के साथ आपको A76 वाला कोड देखने के लिए मिल रहा है, मतलब जेनरेशन वाइज प्रोसेसर का मोटोरोला बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत आगे चला जाता है परफॉर्मेंस में, जेन्युइनली मोटोरोला विनर है, एंड कैमरा सेक्शन में भी मोटोरोला विनर है। देखिए मोटोरोला के साथ आपको 6000mAh का बैटरी देखने के लिए मिल रहा है, इनबॉक्स 33W का चार्जर है, एंड इन्फिनिक्स के साथ आपको 5000mAh देखने के लिए मिल रहा है, और उधर भी आपको 33W का चार्जर इनबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल रहा है, बट मोटोरोला में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट दोनों फोन में देखने के लिए मिल जाएगा, एंड सॉफ्टवेयर का सेक्शन में इधर मोटोरोला में आपको स्टॉक एंड्रॉइड इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। इन्फिनिक्स में भी सॉफ्टवेयर बहुत इधर आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, बट स्टॉक एंड्रॉइड के जैसा फील आपको इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा मोड़ा ब्लूटूथ देखने के लिए मिल जाएगा, अपडेट का क्वालिटी भी मोटोरोला की तरह उतना अच्छा नहीं है, मोटोरोला में आपको 1 एंड्रॉइड का अपडेट डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, एंड 2 आपको इधर सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट भी देखने के लिए मिल जाएगा। प्राइस के बारे में, वेरिएंट के बारे में तो मैंने शुरू में ही बोल दिया है, बट आपको एक्चुअली कौन सा फोन परचेस करना चाहिए, देखिए इन्फिनिक्स में आपको इधर 128GB का ज्यादा स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगा सेम टू सेम प्राइस रेंज पर,
बट डेस्कटॉप जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब कैमरा बोलिए, परफॉर्मेंस बोलिए, बैटरी बैकअप बोलिए, सॉफ्टवेयर अपडेट बोलिए, सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो बोलिए, सब कुछ मोटोरोला के साथ चला जाता है। मोटोरोला में आपको इधर अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। डेफिनेटली मोटोरोला का ब्रांड वैल्यू भी ज़्यादा है, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आप मोटोरोला का G54 परचेस कर लीजिए। आपका जो सेल आएगा, मतलब फास्ट सेल मोटोरोला का आएगा 13 सितंबर 12 PM पर आपको डॉट देखने के लिए मिल जाएगा। आप डेफिनेटली मोटोरोला का परचेस कीजिए, मेरी तरफ से, मेरी चैनल की तरफ से बिल्कुल एक रिकमेंड फोन है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमको बताइए एंड वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।